तो हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बर्ड सेड। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से FNF, और हम खेलने जाएंगे FNF का रेड आई मोड। तो चलो यार, क्यों बिना किसी देरी के गेम चालू करते हैं। ओके, तो हमारी स्टोरी यहाँ पे चालू हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये कोई एरिया है शायद तक जहाँ पे आना मना है। ओके, तो जिससे हमारी साथ तक लड़ाई आने वाली है, मतलब बैटल होने वाला है, तो ये मेरे ख्याल से रेडी या रेड आई। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस दिस हंट बिगन। I do not know how long it will last, but hopefully I will stay out of their reach for long enough by hiding here. तो ये किसी से मतलब छुप रहा है, इसका मतलब कोई शिकार करना चाहता है और ये किसी से छुप रहा है। और ये इसका ग्रुप देखो कितने सारे हैं, Ezra and the Daily Musics. I won't forget what they have done to me, to her. तो इसके साथ ये जो पीछे में इसके बंदे हैं, तो इन्होंने इसके साथ कुछ किया है। I cannot let go of that either. The scar on my face won't let me. Okay, इसका चेहरा पे जो स्कार उसने दिया है, I may not know, but I will get back at him for this someday. Okay, babe, ये हमारी बात कर रहा था मेरे ख्याल से, पर हम डीमन थोड़ी हैं। Who are you? How did you get here? That is no surface for the likes of you two. Get out. Babe, scope up. समझ नहीं आ रहा साथ में से हम क्या बोल रहे हैं। Don't you see the sign over there? Did you? Parents do not teach how to read. Babe, skip up a dippy. Leave me alone. Who skip up a dippy? पर इसका करेक्टर सही में बहुत कूल है, बहुत ही। अरे भाई हार्ड तो नहीं था बिल्कुल ही। शुरू में आया है जस्ट मिस करने में बहुत सारे। अभी से भाई इतना अच्छा हो रहा है गाना, तो आगे जाके क्या होने वाला है। ओके, तो बहुत छोटा था, सही में बहुत छोटा था यार ये। कैसे तुमने मुझे हरा दिया? What's wrong with you? भाई गुस्सा आ गया भाई। Babe, this is my hideout and you are the trespassing right now. Look, I am hiding because of a curse inflicted on me. It endangers anyone who gets close enough and I am having none of that. That's why you should go back to wherever you came from immediately. Bye, Bobby Poo. You begin to annoy me, you little brat. भाई गुस्सा आ गया भाई उसे। Ready, set, go. Ready, set, go बोलता है क्या वो? Set, और set तो बोलता है भाई। ओके, थोड़ा हार्ड हो गया। ओके। अरे भैया ना अच्छा लग रहा मुझे। और वैसे हर की भी बात है, मेरे मतलब कोई और लड़की नहीं है मेरे यहाँ। ओहो, मुझे अपने यार पार्टी देते हैं। ये मुझे किसी की याद दिला रहा है। ये मुझे किसी की याद दिला रहा है। जो पिछला आ गया ना, अगोटी मोड में था साथ में कैसा लगा? बहुत यार बेटा, ये पीठ अगोटी मोड में था, ये पक्के अगोटी मोड में था। ओके, भाई फन तो है भाई। ओके
भाई गुस्सा आ गया भाई बेचारे को भाई दोस्त से खेलू क्या गुस्सा आ गया क्या पता है भाई उसका देखो कुछ हो गया अरे मैंने मिस कर दिया मुझे दबाना है मिस करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है रुको रुको मुझे मिस करना भाई तो हार्ड है अच्छा दबा नहीं रहा हूँ मेरे ख्याल से दबाना ही नहीं था मैं पागल से दबा रहा था ओके मुझे दबाना नहीं है गाइस ओके मुझे बस इग्नोर मारना उस चीज़ को मैं और उस पर कूद रहा था ओके हार्ड है भाई ये तो हार्ड है भाई क्योंकि समझ नहीं आता तुम्हें दबाना कौन सा नहीं दबाना है भाई हरा हरा मिल जाता उसके साथ तो नीचे वाले के साथ पता है रुको मैं दब बस एक बार दबाने से भी पूरा कट जाता है यार ये क्या लॉजिक है भाई मैं बटन याद रख लेता हूँ ना उसके काम कर दो राइट साइड से बटन देख के याद कर लेता हूँ देखना फिर वो खा ही रहा है भाई कुछ भी करो अरे मैं सही भी दबाता हूँ मिस नहीं करता तब भी कैसे खा रहे हो क्या कह रहे बताओ यार प्रॉब्लम है क्या कुछ भाई ये तो हार्ड हो ही नहीं रहा मेरा अभी भी खा रहा है वो भाई शरम आती है हेलो अब तो मेरे क्या हेलो किस बात पे हेलो किस बात पे मैं बोल रहा हूँ यार नहीं हो रहा मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ चुपचाप भाई अब इसमें भी अगर लास्ट में ऐसा हुआ मैं निकल जाऊंगा मैं देखूंगा भाई निकल जाऊंगा बता रहा हूँ मैं तीसरा चुपचाप कर लेता हूँ दूसरा मोड है भाई देख लो भाई सही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मैं बता रहा हूँ वो जबरदस्ती का भी पनिश कर रहा है कुछ भी कर लो मैं सही बोल तो इट सीम्स गेटिंग लेट ऑलरेडी भाई अब शांत करते खुद को ये अच्छा नहीं हुआ तो भाई मैं बता रहा हूँ सबसे भाई बकवास मोड का इसका दे दूंगा ब्रदर आफ्टर सो लॉन्ग इसका ही भाई है भाई तेरा भाई कभी ना है ये पक्का बोला तेरा हार्ड होने वाला है मुझे देख के प्लीज पार्डन माई इंटरप्शन बट यू बाई एनी चांस सीन दिस पर्सन ओके ऑब्वियसली इसका भाई यही है मैं बोल रहा हूँ कमी ना तेरा भाई डोंट टेल माई सिस्टर आई एम हियर भाई तू बकवास छोड़ भाई मेरे सर और दर्द रहा भाई बोल इज समथिंग रॉन्ग बी बॉप यू वॉन्ट मी टू सिंग फॉर इट Yeah, well, if it is for the sake of finding my brother, I guess it's alright. Besides, it doesn't sound like fun. Let's go. चलो भाई. 3, 2, 1. अगर तूने भाई, ठीक है? ये पहला दूसरा song भाई. ये अच्छा है ऐसा लग रहा है किसी तुम उसका वो कम वो देख रहे हो जो होता है ना यूट्यूब में टॉप 10 मोमेंट के बैकग्राउंड में चलता है या नहीं चिल मतलब यूट्यूब में अरे लोफाई हाँ लोफाई बोलते हैं ये लोफाई टाइप का मतलब म्यूजिक है जिसको तुम मतलब लगा के कम चीज कर सकते हो ऐसे टाइप की म्यूजिक
भाई बहुत रिलैक्सिंग म्यूजिक है यार, हैंग मोड भाई इसके असर वो नहीं कर रही है जो भी कर रहे हो। ऐसे टाइप के म्यूजिक जो तुम अपने आउटरो पर लगाते हैं यूट्यूब के, सही बोल रहा हूँ यार मैं ऐसे टाइप के। ओके ये अच्छा था भाई। और बचा पर ये भाई चिल म्यूजिक था भाई, इसका भाई के बिल्कुल अपोजिट। दिस इज सो मच फन, आई बीन अ सॉन्ग लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट सॉन्ग लाइक दिस द रिमाइंडर ऑफ माय सॉन्ग्स आई यूज्ड टू सिंग विद माय ब्रदर नो हाउ इज दिस टू दिस बाबा पे पापा पे पापा पे ओ अगेन या वेल आई वुड बी लाइंग इफ आई डिडंट एडमिट आई एम हैविंग फन विद दिस सो या ब्रदर सॉन्ग लेट्स गो। इसने हार्ड बना दिया, सोचा दूसरा सॉन्ग। ओके ये इजी है, ये कर सकता हूँ मैं, बस बीच में कुछ और ना आ जाए, बीच में कोई अजीब से बटन ना आ सकता। ओके ये अच्छा है भाई, इसका भाई कैसे सीखना चाहिए यार, अपनी बयान सीखना अच्छा गाना देना। ओके ये अच्छा भाई, ये इसमें रिलैक्स कर सकता हूँ मैं, ये फाइनली मुझे रिलैक्सिंग वाला म्यूजिक मिला है। ओके भाई मजे तो आ रही है। ओके सही में बहुत मुझे बोलूँ तो यार बहुत अच्छा है। ये अच्छा था सही में भाई, ये रिलैक्सिंग म्यूजिक था, मजे आ गए भाई, बहुत अच्छा था पहले मोड की कंपैरिजन में, पहला सॉन्ग की मतलब जो पहला स्टोरी का थर्ड वाला था उसके कंपैरिजन बहुत सही था। थैंक यू फॉर सिंगिंग विद मी लाइक दिस, आई इट्स हैव मिस टू शेयर अप एंड दैट। इसका नाम ही लोफी है, मैंने अभी ध्यान दिया क्योंकि मैं बहुत गुस्से में, क्योंकि यहाँ गर्मी है और रिकॉर्ड करते करते मेरे पसीना आ गया। आई मिस माई ब्रदर, इट्स बीन टू वीक्स विद नो न्यूज, दो हफ्ते समझ गया तो मुझे लगा यार दो तीन साल हो गए चल गए। इज द मल्टी पर्पज इन लाइफ एंड आई लव हिम सो मच, इज द ओनली फैमिली आई हैड, इसने ही प्रॉमिस्ड मी ही वुड स्टे विद मी एंड प्रोटेक्ट मी, आई जस्ट वांट टू सी हिम अगेन, आई नीड टू नो इफ ही इज ओके, आई नीड टू नो वेयर ही इज, प्लीज टेल मी, आई कैंट कीप गोइंग ऑन लाइक दिस। बता देगा वो Wait, my brother is in the that direction? Yep. But where exactly is he in the hotel? Nope. पर ये हमारा भैया पैसे बात करता है भाई, इन्हें मतलब नॉर्मली बात करता है, मीन इन ए शॉपिंग मॉल नहीं भाई, देखे नो बोल रहे, बीपीपी नहीं बोल रहे, इन द प्लाजा नोप, इन ए डार्क एलर समथिंग लाइक दिट या Oh my dear brother, at long last we will meet again. There may have thought of singing with him or more than time we make him I'm going to cry again. Pip, thank you so much. I will not forget you what you've done for me today. Coming soon chapter 2. Oh, ye song ka hua hai mere khayal se. Teaser type ka mere khayal se.
जिस तरह से पता है ना, ये मेरे ख्याल से दूसरा का सॉन्ग का टीजर हो गया और पता नहीं कौन है ये। तो गाइस फाइनली हमने ये मोड खत्म कर दिया और मैं बोलना चाहूंगी कि जो पहला वीक का जो थर्ड सॉन्ग था वो थोड़ा सा ओवर पनिशिंग था भाई। सही में तुम सही करो या गलत करो भाई, तुम्हारा हेल्थ जा ही रहा था तो मैंने उसको नहीं किया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जाओ मजे करो यार।